यहाँ से जो भी डिज़ाइन आपको परचेज करना है यानी कि डाउनलोड करना है, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको ये डिज़ाइन डाउनलोड करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे परचेज। हमने परचेज पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे व्यू कार्ड करके आ गया हमारे पास। आप यहाँ से नीचे और ऊपर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने क्या ऑर्डर किया है, यानी आप जो बाई करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, वो क्या है। तो हमारे प्रोडक्ट में न्यू कार्ड है और यहाँ पे एक्स करके एक है, यानी एक बार क्लिक किया है। लेकिन अगर आप कई बार क्लिक करके वापस चले गए होंगे, उसके बाद आप फिर से डाउनलोड करने आएंगे, तो यहाँ पे 2 या 3 आ जाएगा और उसके हिसाब से ये 15 से गुणा करके उसको जोड़ देगा, यानी यहाँ पे 30 या 45 हो जाएगा। तो इस सूरत में आपको पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि एक ही कार्ड के लिए आप 3 बार पेमेंट करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड तो आपका एक ही होगा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना है कि व्यू कार्ड पे आएंगे, और व्यू कार्ड में आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पे एक ही दिखा रहा है। जब आपका 30 होगा तो यहाँ पे 2 दिखाएगा, तो आप एक को कट कर दीजिएगा, एक ही रहने दीजिएगा और अपडेट कार्ड पे क्लिक कर दीजिएगा। अपडेट पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक ही आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए आपको 15 रुपया ही पे करना है। अब आप इस पे क्लिक करेंगे प्रोसेस टू चेकआउट। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे गलत भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, लेकिन जो भी डालिएगा वो याद रखिएगा, ताकि कोई भी दिक्कत आए तो मुझे आप वो ईमेल आईडी बताएंगे, तो मैं आपकी कोई मदद कर सकूंगा। और जो आपका ऑर्डर नंबर है, यहाँ पे ऑर्डर नंबर आपका दिखाएगा, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब आइए, आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। आप चाहें तो डायरेक्ट बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे तो फिर यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आएगा, वो फाइल मैं आपको सेंड करूँगा। तो बेहतर यह है कि आप दूसरे वाले पे क्लिक करिए यहाँ पे, यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, जिससे चाहें यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने ये ऑप्शन आएगा खुल के, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपका ऑर्डर नंबर भी शो कर रहा है, 2171। तो आप ऑर्डर नंबर ज़रूर नोट करिएगा। अब यहाँ पे आप अपना नंबर डालेंगे जिससे आप पे करना चाहते हैं। मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, ठीक। उसके बाद नीचे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब ये पूछ रहा है कि हमको पेमेंट किससे करना है, कार्ड से करना है या नेट बैंकिंग से या वॉलेट से या यूपीआई से। तो मैं नीचे वाले से करूँगा, ये आसान है हमारे लिए। नीचे देखिए, गूगल पे से, फ़ोनपे से, भीम यूपीआई, पेटीएम, एयरटेल मनी, सबसे हो जाएगा। लेकिन उससे अच्छा है यहाँ पे शो क्यूआर कोड। यहाँ पे क्यूआर कोड आ गया। अब हमको जिससे करना है, हम उसको ओपन करेंगे और उसके क्यूआर कोड से इसको स्कैन कर लेंगे। हम फ़ोनपे से इसको स्कैन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, ये हट गया और आपके सामने ये वाला पेज आ गया। वो जो नीचे आया था थोड़ी देर के बाद, वो हटने के बाद जब कंफर्म हो गया है कि आपने पेमेंट कर दिया है, आप देखेंगे वो हट गया। उसके बाद आपके सामने ये वाला आया है खुल के। यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट में, आपने न्यू कार्ड को क्लिक किया और यहाँ पे देखिए डाउनलोड लिखा है, न्यू कार्ड फॉर वेबसाइट जिप, ये फाइल का नाम है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर अगेन करने को दे रहा है, तो आपको अगेन ऑर्डर नहीं करना है, इसी को आपको डाउनलोड करना है। आप इसको ज़रूर नोटिस करिए। अब आप इसको अगर बैक कर देंगे तो फिर आप इसे डाउनलोड नहीं करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका पेमेंट करने से।
फिर दोबारा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसका आप जरूर ध्यान रखिए कि जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो ये ऑप्शन आपके सामने खुल के आएगा, और ये जो डाउनलोड लिखा है इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा, देख सकते हैं आप, ये हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो गया। इसमें कोई पासवर्ड नहीं है, आप इसको डायरेक्ट ओपन करके अपने कोरलड्रा में एडिट कर सकते हैं। फॉन्ट डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे आप सर्च करेंगे फॉन्ट, आपको 2033 फॉन्ट मिल जाएंगे जिसमें कि सारे फॉन्ट हैं, उसका जो पासवर्ड है वहीं पे लिख दिया गया है, आप थोड़ा सा मेहनत करिए, पढ़ लिया कीजिए।